अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुफ़क्किर आफ़ाक़ लाशारी ऑन इल्मे सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। एज यू नो डैट डेली बेसिस पे अपडेट होता है और आज का जो अपडेट है वो मेहरान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन म्यूटा 21 जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से आप लोगों को आज इंफॉर्मेशन देनी है। वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या स्कॉलरशिप में क्राइटेरिया कौन सा है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस एज तक अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में होता है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि नोटिफिकेशन एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से जो भी आता है इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दी बात स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, और लाइक अगर कर दें तो इधर ही बेहतर रहेगा। म्यूटा नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसमें क्या है देखते हैं, थोड़ा गौर से सुने, स्किप ना करें वीडियो को, ताकि दो मिनट या तीन मिनट की वीडियोस आप लोगों की ज़िंदगी के एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दे या फिर अच्छी एक मंजिल दे दे, तो अच्छी बात है उनको थोड़ा सुना करें। जो जाहिर सी बात है वीडियोज़ बनाते हैं या इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं उसमें कोई ऐसी तो एबिलिटी होगी, कोई ऐसी तो चीज़ होगी जो आप लोगों को बता रहे हैं। सो द एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द नीडी स्टूडेंट फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट बैच 17, 18, 19 एंड 20। ये वो जो आर्किटेक्चर्स में हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर्स CRP या द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर द एवॉर्ड ऑफ म्यूटा नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये तो आप लोगों को बात समझ में आई। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी इसमें कौन सी है और कौन से स्टूडेंट, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दी बात को हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम स्पेशल स्कीम एंड द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप इन दिस ईयर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। एक पॉइंट आप लोगों को जहन में रखनी है, वो कैंडिडेट्स जो सेल्फ फाइनेंस या स्पेशल सेल्फ पे या फिर जिनको इस हवाले से कोई स्कॉलरशिप मिल गई है तो इस वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। चलिए जी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। द स्टूडेंट हु पास देयर लास्ट ईयर सब्सक्वेंट एग्जामिनेशन इन रेगुलर मोड एंड स्कोर्ड एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल मार्क्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। वो स्टूडेंट जो अभी लास्ट ईयर जो छोड़ चुके हैं, डैट मीन्स उनको पास कर चुके हैं, डैट मीन्स उनका जो स्कोर है वो 60% से ऊपर है, वो एलिजिबल हैं। वन सप्लीमेंट्री इज इन एक्समेंट क्रॉनिकली हार्डशिप केसेस बेस्ट नीडेड असेसमेंट्स। बहरहाल वो स्टूडेंट जो 60% से ऊपर जो लास्ट ईयर मतलब के वो पास कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा करंट इनकम ऑफ फादर गार्डन, या करंट इनकम ऑफ फादर हो या गार्डन कोई भी हो सकता है, शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड मैक्सिमम लिमिट PKR 50,000। अगर 50,000 से पर मंथ उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, अगर 40 है, 30 है, 20 है तो चल सकता है। चलिए जी बात को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द स्टूडेंट मस्ट अटैच देयर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द करंट सैलरी स्लिप फादर्स, जो भी होगा जाहिर सी बात है स्लिप लेनी पड़ेगी। गार्डन इशूड बाय द एम्प्लॉयर वो ही शी is working, in case of employment the income certificate issued by the union council officer not older than 6 months, minimum 6 months ke upar jo hai na older na ho, 2 months, 3 months, 1 month recently bana hua ho. Ab dekhte hain documentary kaun se mangwa rahe hain, copy of computer CNIC student father ya garden ki ho, ya fir copy of BFarm ho father ki ya garden ki, mark certificate ho last subsequent examination ki ho, picture of resident फ्रंट गेट रूम्स एंड किचन्स, ठीक है, जो आप रहा जहाँ पे आप लोग मतलब के रहते हैं रेजिडेंट ही है उनका, फ्रंट गेट का किसी का भी लगा सकते हैं काम चल जाएगा। कॉपीज ऑफ लास्ट मंथ्स पेड अल्टीमेटली बिल्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, टेलीफोन का, ये सारा उसमें मिला के कॉपीज रखनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वही शी नीड्स फॉर दिस स्कॉलरशिप, वो भी पर्पस आप लोगों को लिखना है कि भाई इसको क्या मसला है, क्या ये क्यों अप्लाई इसमें करना चाहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे क्या है, अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट कौन सी है। डियर फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन एट HTMUTAS स्कॉलरशिप म्यूट edu.pk। उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू
गेट इट प्रिंट, ठीक है, आपको प्रिंट निकालना है और सबमिट द अलोंग विथ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स म्यूटा ऑफिस रो कंसर्न हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आप लोगों को वहाँ पे जाना है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 अगस्त, वे 6 अगस्त इनकी लास्ट डेट है। अब लास्ट में ये आप लोगों को बता दूँ कि पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ये उन स्टूडेंट के लिए जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वाबस्ता हैं, या फिर उनके इंस्टीट्यूट के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वगैरह जो भी करते हैं ना, उनकी बैचेस के लिए ये स्कीम है, ये स्कॉलरशिप है, उनकी मर्ज़ी। अब ये कितनी दे रहे हैं, अगर कोई वेबसाइट मांगना चाहता है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को वेबसाइट भी बता दी है, वेबसाइट पे अप्लाई करें। अगर आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा या फिर आप लोगों को समझा दें तो आप कमेंट्स बॉक्स में काइंडली उसमें इन्फॉर्म कर दें कि सर हमें या भाई मुझे बता दें तो फॉर्म जो फिल होगा वो कैसे होगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरी डिटेल जो है बता दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग सब इस अपडेट से मुतमिन होंगे, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा।